यूपी राजकीय निर्माण निगम में रेजिडेंट इंजीनियर मुकेश कुमार के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी को छापेमारी में प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। स्मारक घोटाले में मुकेश कुमार का नाम आया था, तो ये बड़ी खबर इस वक्त। यूपी राजकीय निर्माण निगम में रेजिडेंट इंजीनियर मुकेश कुमार के घर पर ईडी की छापेमारी। ईडी की छापेमारी में प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज बरामद। स्मारक घोटाले में मुकेश कुमार का नाम सामने आया था। और नोएडा में यादव सिंह के करीबी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर रामेंद्र सिंह के सेक्टर 72 स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। यादव सिंह के बेहद करीबी हैं रामेंद्र सिंह। आपको बताएं कि काले धन के खिलाफ 9 राज्यों में 18 सरकारी अफसरों के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में 4 ब्यूरोक्रेट्स और यादव सिंह के करीबी रामेंद्र सिंह के घर पर रेड पड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। नोएडा में यादव सिंह के करीबी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर रामेंद्र सिंह के सेक्टर 72 स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। हमारे साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं नोएडा से इस वक्त। अमित, ये बताइए कि रामेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए अजीत, छापेमारी अभी भी चल रही है और आज करीब सुबह 11 बजे के आसपास 4 ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। और रामेंद्र की अगर भूमिका की बात की जाए तो रामेंद्र बहुत खास आदमी यादव सिंह का बताया जाता था। यादव सिंह जितने भी करप्शन के खेल खेला करता था उसमें रामेंद्र की अहम भूमिका हुआ करती थी। इस तरीके के खुलासे भी पहले हुए और जिन लोगों को टेंडर दिए जाने होते थे उन लोगों की लिस्ट भी रामेंद्र ही तैयार किया करता था। तो ईडी को इस पड़ताल में ये जानकारी मिली है कि रामेंद्र के पास भी नामी और बेनामी संपत्ति काफी है, उसी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि रामेंद्र की प्रॉपर्टी भी आज ईडी सीज कर सकती है। जी अजीत, आप रहिए हमारे साथ, आगे दूसरी खबरों पर भी हम लेंगे आपसे अपडेट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, गौर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं सीएम आदित्यनाथ योगी ने। 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित ने योगी के जनता दरबार में गुहार लगाई थी और इसके बाद सीएम ने ये एक्शन लिया है। और दूसरी ओर गौर संस का यह कहना है कि धोखाधड़ी के आरोप बेबुनियाद हैं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं कि पिछले साल दिसंबर में बिसरख थाने में मनोज गौर समेत 12 लोगों पर एफआईआर हुई थी। मनोज और 12 लोगों पर ये एफआईआर हुई लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने 3 अप्रैल को सीएम के जनता दरबार में गुहार लगाई और अब सीएम ऑफिस से एसएसपी को कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हैं। अमित, ये बताइए कि पीड़ित का क्या कहना है, किस तरह से उसको हानि पहुंची, किस तरह का केस है और अब इस पर कैसी कार्रवाई होगी गौर संस पर? देखिए जी, जो पीड़ित का आरोप है उसका कहना है कि उसने वो कॉन्ट्रेक्टर था गोरसंस में और वहां पर बिल्डिंगें बनाई, उन बिल्डिंगों के निर्माण में जो उसकी लागत आई उसमें से 14 करोड़ रुपया जो था वो बिल्डर ने नहीं दिया। उसको लेकर वो कई बार जो पुलिस थाने या संबंधित अधिकारियों के पास गुहार लगाता रहा लेकिन पुलिस ने शुरुआती तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित कोर्ट गया और कोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज दिसंबर 2016 में हो गई। लेकिन उसके बाद भी पुलिस का वही ढुलमुल रवैया रहा। पीड़ित का आरोप है कि तमाम अधिकारियों से मिलने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब 3 अप्रैल को पीड़ित के माता पिता और उसकी बहन सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गए और वहां पर उन्होंने पूरी आपबीती बताई। सीएम ने एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को लिखित आदेश भी दिया इस मामले में जांच करने के लिए। एसएसपी ने पीड़ित को बुलाया और उसके बाद बिसरख जो संबंधित थाना है वहां पर भेजा। तो पीड़ित पक्ष का आरोप है जैसे ही वो लोग थाने पहुंचे तो थाना अध्यक्ष उनके ऊपर भड़क गए इस बात को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और उनको काफी बुरा भला थाना अध्यक्ष द्वारा कहा गया। इस तरीके का आरोप पीड़ित लगा रहा है और पीड़ित को अभी भी उम्मीद नहीं है कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिल्डर की रसूख है वो अभी भी पुलिस के ऊपर हावी होती दिख रही है। अजीत, आप रहे हमारे साथ, एक और बड़ी खबर और ये भी बिल्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ये गौर संस वाली खबर के बाद आपको बताते हैं, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर कंपनी के एमडी अनिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर कंपनी के एमडी अनिल शर्मा के खिलाफ
केस दर्ज हुआ है। निवेशक ने धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज करवाई है। आम्रपाली पर समय पर पजेशन नहीं देने और पैसे नहीं लौटाने का आरोप है। आम्रपाली के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के निवेशक ने थाना बिसरख में FIR दर्ज करवाई है। तो ये बड़ी खबर, केस दर्ज कराई गई है धोखाधड़ी के मामले में। अमित चौधरी हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये खबर पहुंचाई है हम तक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताइए कि इस मामले में जो केस दर्ज हुआ है उसमें क्या कार्रवाई होगी अब आगे? देखिए जी, जो पीड़ित निवेशक है उसने इसमें काफी संगीन आरोप बिल्डर के ऊपर लगाए हैं और अनिल शर्मा के साथ साथ उनकी कंपनी के अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने यहाँ इनके जो ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है यहाँ पर अपना फ्लैट बुक किया था, लेकिन जो समय बिल्डर ने पोजिशन देने के लिए दिया था उस समय पर प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा लगातार अपने पैसे की मांग की गई तो बिल्डर द्वारा उसको धमकाया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था। इसी शिकायत को लेकर बिसरख थाने में पीड़ित आज पहुंचा और फिलहाल पुलिस ने अनिल शर्मा और उसकी कंपनी के अन्य लोगों के खिलाफ 420 और अन्य जो संगीन धाराएं हैं उनमें FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे संवाददाता जो तमाम खबरों पर अपडेट दे रहे थे। और आपको बताएं कि इधर बड़ी खबर यह है कि मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के दौशेरस गांव में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, कई राउंड फायरिंग की गई है। यहां पर थाना प्रभारी कमलेश फायरिंग में बाल बाल बच गए हैं। गांव दौशेरस में दबिश देने गई थी थाना पुलिस और वहां पर बदमाशों के साथ ये मुठभेड़, जिसमें बाल बाल बचे हैं थाना प्रभारी। कई राउंड फायरिंग हुई दोनों तरफ से। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के दौशेरस गांव में ये मुठभेड़ की खबर।